स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सभी को जो परीक्षाएं अभी अप्रैल में होने वाली हैं प्लस जो परीक्षाएं अगस्त में होने वाली हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो परीक्षा ऐसे किसी वजह से जिनकी छूट गई है या अभी तक नहीं हो पाई थी, प्लस ऐसे बच्चे जो रेगुलर हो गए हैं और अब उनकी अपकमिंग परीक्षाएं मतलब नॉर्मली जो उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं और फर्स्ट ईयर परीक्षाएं होनी है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में कुछ जानकारी दूंगा, प्लस आपको कुछ हिंट भी दूंगा और एक मतलब होता है आपको एक गाइडलाइन के तौर पे बताऊंगा कि आपको अभी कैसे पढ़ना चाहिए और क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 25 अप्रैल से परीक्षाएं होनी है, इसका एक लेटर आया था, आपको पता होगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। 8 अप्रैल को लेटर आया था और इसमें बोला गया था कि जो भी लेफ्ट ओवर ट्रेनीज हैं, रेगुलर ट्रेनीज, ठीक है, जो एनुअल पैटर्न के बच्चे थे, और यहाँ पर सेशन वगैरह लिखा हुआ है सब, 18, 20, 19, 21 सेकेंड ईयर, 19, 21 और 20, 21 वन ईयर ट्रेड 6 मंथ, तो ऐसे बच्चों के जो एग्जामिनेशंस थे वो इन्होंने 3 फेज में बोला है कि कराएंगे। और जो हॉल टिकट है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले, जब भी आपका एग्जाम की जो डेट पड़ेगी उससे 10 दिन पहले आएगा आपका एडमिट कार्ड। तो ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है कि किसका होगा किसका नहीं होगा ये सब चीज़ें, तो ऐसे में क्या है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है कॉलेज से टच में रहिए और कॉलेज रेगुलर इंटरवल पे चेक करता रहेगा, और अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप भी चेक करते रहिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी परीक्षा नहीं होनी है मतलब नहीं हुई है और इन फेज में किसी भी डेट में अगर आपका मतलब परीक्षा का डेट पड़ता है तो उससे पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉलेज से जरूर रहिएगा आप लोग कांटेक्ट में, और आज भी हो गई है 25, सॉरी आज है 15 अप्रैल और 25 से ये परीक्षाएं शुरू होनी है, तो लगभग 10 दिन का समय है। इसमें जो भी ऐसे छूटे हुए बच्चे थे, तो जो पुराने बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स वगैरह अभी तक नहीं हुए थे, तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग सिंपली पहले जो पैटर्न था, हम लोग चैनल पे जो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हैं वही पढ़िए। आप लोग क्या करना है, ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लेना है, सिंपली यूट्यूब पर चैनल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का है, इसी तरह से नीचे इलेक्ट्रिशियन का है फर्स्ट ईयर, और इस तरह से आप देखेंगे मतलब आप देख लीजिएगा। मैं एक एक प्लेलिस्ट को यहाँ पर बताने की बजाय सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और पढ़िए आप, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि 500 क्वेश्चन सीरीज थी या यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन की सक्सेस सीरीज है, तो ये आपको काम आने वाली है। और इससे रिलेटेड पीडीएफ आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से कोर्स वाले सेक्शन में जाकर और नई अपडेट में मॉडल पेपर वाले सेक्शन में डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये लेफ्ट ओवर परीक्षाएं हैं यानी छूटी हुई परीक्षाएं हैं, तो इनका पैटर्न संभवतः पुराना रह सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन कब हुआ था, 2020 में एडमिशन हुआ था, फर्स्ट ईयर प्रमोट हुए, ठीक है, तो उसके बाद आपका 22 में सेकेंड ईयर का एग्जाम होना है, सेकेंड ईयर में तो प्रमोशन है नहीं। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका 21 में एडमिशन हुआ था तो उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है, तो आपकी परीक्षाओं में जो है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो बहुत से बच्चे सिलेबस को लेकर परेशान है, तो सिलेबस को आप भूल जाइए, जो पढ़ रहे हैं तो उसको ही पढ़ लीजिए। सिलेबस में क्या हुआ है कि कुछ नया टॉपिक नहीं आया है, प्रॉब्लम तब होती है जब नया टॉपिक आता है, कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक में ही एक दो हेडिंग काट दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर उसको आप पढ़ भी लेते हो तो नुकसान नहीं होगा आपका। तो इसीलिए सिलेबस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या लगता है कि सिलेबस क्या करूँ ऐसे वैसे, तो उसको छोड़ दीजिए साइड में, और आपके पास जो पहले से ही मटेरियल्स हैं, आपकी बुक्स वगैरह हैं, जैसे जिस स्पीड या जैसे भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अब महत्वपूर्ण क्या हो गया है, पहले भी मैं अक्सर बोला करता था कि थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने देखा होगा हम लोग जो क्लासेज हैं पेड क्लासेज सिर्फ ट्रेड थ्योरी की ही देते हैं, तो उसके पीछे वजह था क्योंकि ट्रेड थ्योरी आपको ना केवल आईटीआई में हेल्प करता है, आगे भी आप एंट्रेंस देने जाते हैं, सीटीआई करना चाह रहे हैं, तो भी ट्रेड थ्योरी अगर अच्छे से तैयार किए होंगे आप तो भी आपके क्वालिफाई होने का मैक्सिमम चांस रहता है, क्योंकि अप्रॉक्स 75 से 80% कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आईटीआई एग्जाम हो, सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में थ्योरी से क्वेश्चन मैक्सिमम होता है। तो अभी जो एग्जाम का पैटर्न हो गया वो हो गया कि सिर्फ आपको 2 बार पेपर देना पड़ेगा, ये पेपर जो ट्रेड थ्योरी का होगा ये आपका सीबीटी मोड पे होगा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, कई वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ अब 2 सब्जेक्ट हैं आपके अंदर, ठीक है, किताबें बहुत हैं लेकिन मतलब पुरानी किताबें हैं, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है पेपर के हिसाब से 2 पेपर हो जाएगा, ये पेपर नीचे ट्रेड प्रैक्टिकल का, ये आपका ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर जो मैंने आपको थ्योरी लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा,
ऑनलाइन हो जाएगा। तो जो ऑफलाइन है ट्रेड प्रैक्टिकल, तो कुछ सब्जेक्ट में क्या किया गया है कि ट्रेड प्रैक्टिकल के साथ साथ जो ड्राइंग में फ्री हैंड स्केचिंग होती है ना, इसको ड्राइवर बनाना, रिंच बनाना, हैमर बनाना, तो वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल में ही इंक्लूड कर देंगे, ड्राइंग का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, कितना ये डिसाइड एक तरह से मतलब करना मुश्किल है, जब तक एक दो परीक्षाएं होंगी तब पैटर्न समझ में आएगा। तो कुछ फ्री हैंड स्केचिंग, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर, रिंच, उसके अलावा और भी जो ऐसे होते हैं कि जिनको बिना स्केल वगैरह की मदद से या स्केल की मदद से ही बिना डायमेंशन के जो बनाया जाता है, तो वैसा कुछ प्रैक्टिकल्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके टेंशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है ये हमारे अनुभव और हमें जॉब वगैरह बनाना होता है, उसी को लिख देना होता है, तो इसको पास करना बहुत ही आसान होता है। और मुझे हमेशा पता है कि 99% तक लगभग बच्चे प्रैक्टिकल में पास होते हैं। अब बात आती है थ्योरी में, तो थ्योरी में बहुत से बच्चों का सवाल ये हो रहा है कि जो थ्योरी के नाम पे पेपर होगा, जैसे आप फिटर में हैं तो फिटर थ्योरी के नाम से पेपर होगा, इलेक्ट्रिशियन में हैं तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पेपर से के नाम से पेपर देने जाना होगा आपको, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कुछ हिस्सा वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा। क्या होगा ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के होंगे, तो ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे MCQ टाइप के, जिस पर अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हो सकता हो कि जैसे निम्मी की तरफ से कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह या कुछ ऐसा जारी किया जाए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ये सेलेक्ट करें। कितना क्वेश्चन होगा ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन का ये एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इनका जो सिलेबस का जो टाइमिंग है बहुत कम कर दिया गया है कि 40-40 घंटे बस पढ़ाया जाए। तो इसका मतलब हम ये यहाँ पर एक अंदाज़ा भी लगाएं तो कम से कम अगर देखा जाए तो भी मतलब मिनिमम देखा जाए तो 60% से लेकर 80% तक क्वेश्चन जो हैं, 60% से 80% तक क्वेश्चन जो हमारे ट्रेड थ्योरी से होगा, यानी फिटर का है तो फिटर थ्योरी से होगा, इलेक्ट्रिशियन से है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का होगा। कुछ क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन के इसी में देखने को मिल जाएंगे आपको, और कुछ इसी में ED के देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ट्रेड थ्योरी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप क्या करोगे, ये वाला सब्जेक्ट पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई अलग से तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर रहा नहीं, ठीक है, ना ही ED का अलग से पेपर कोई रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे वर्कशॉप, ऐसा नहीं कह रहा कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन मत पढ़िए या ED मत पढ़िए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेड थ्योरी को एकदम अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छा मतलब आपकी कैपेबिलिटी जितनी है कोशिश करिए कि उससे भी ज़्यादा पढ़िए ट्रेड थ्योरी। अगर आप ट्रेड थ्योरी पढ़ लेते हो अच्छे से तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि पास होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और ट्रेड थ्योरी आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुक परचेज कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स मेरी बात होती है, कहते हैं सर मेरे पास बुक नहीं है। तो यार अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो सच में फिर आप स्टूडेंट नहीं है, बिना किताब के स्टूडेंट कैसा है ना। PDF वगैरह मोबाइल में यहाँ आप कितना पढ़ोगे, एक्चुअल में एक अच्छे स्टूडेंट को चाहिए कि उसके पास बुक जरूर होनी चाहिए। तो आप लोग, मैं नहीं कहता कि किस ट्रेड और किस मतलब राइटर का लीजिए या मैं किसी का प्रमोशन करता हूँ, जो आपको सुटेबल लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी समझ में आए वो किताब उठाइए। ट्रेड थ्योरी की अपनी बुक आप जरूर रखिए, बाकी आप थोड़ी अगर हमसे हेल्प चाहते हैं या हमारे तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्लोबल ITI जो ऐप है ऑलरेडी आप स्टोर में आपके पास है, आपने, मैं देखता हूँ लगभग 1 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन डाउनलोड करने से कुछ होता नहीं है। अब ये सोचते हैं हम आपकी, अरे यार वहाँ पे 200-400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये खर्च करेंगे, क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा। तो एक्चुअल में हम लोग छोटी चीज़ें सोचते हैं, एक्चुअल हम भविष्य में आगे नहीं सोचते हैं। जैसे कई बार आज होता है कोई कहता है कंप्यूटर सीख लो, तो हम कहते हैं क्या फ़ायदा सोच के, लेकिन हो सकता हो 2-4 साल बाद कभी हमारा काम फंस जाता है तब याद आता है कि यार उस समय तो खाली थे, कंप्यूटर सीख लिए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी आपको ग्लोबल ITI ऐप अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक स्टोर ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अफसोस की बात है कि हमारे पास सिर्फ फिटर और इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट्स के लिए ही वीडियोज़ हैं, और उसके पीछे प्रॉब्लम है, हम लोग रहते हैं ग्रामीण एरिया पर और यहाँ पर जनरली जो है टीचर नहीं मिल पाते हैं मैक्सिमम ट्रेड्स को जिसे हम कवर कर पाएँ, और काफ़ी बच्चे नाराज़ भी रहते हैं कि सिर्फ 2 ही ट्रेड को आप पढ़ाते हैं सर, तो हमारी मजबूरी है यहाँ पर। उस एक्चुअल में अगर हम लोग सिटी में होते तो हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते, संभावनाएं ज़्यादा होती और काम ज़्यादा शायद कर पाते, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिशियन और फिटर के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। मेरा एक सजेशन है, कोई फोर्स नहीं है कि आप ज्वाइन नहीं करो, लेकिन ज़रूर करिए। इससे क्या होता है ना, वहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासेज मिलती हैं, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ पर लाइव वगैरह नहीं चलता है, मैं आपसे ईमानदारी से बताता हूँ। एक्चुअल में कुछ चीज़ों का हमारे अंदर एक जुनून सा हो जाता है, जैसे कई बार सेट हो जाता है कि ब्रांडेड चीज़ होगी तभी वो सही होगी, तो इसी तरह से कहीं ना कहीं कि लाइव होगा तभी हम पढ़ेंगे, या कुछ बच्चों के अंदर ये रहता है कि
मतलब ऐसा इस चीज को पढ़ के क्या फायदा। तो खैर ये तो निगेटिविटी है, आप अगर पॉजिटिव वे में देखें तो आपके पास जो किताब है उसको कोई टीचर आपको भले ही एक क्लासरूम लेक्चर्स हैं जैसे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया है, चैप्टर्स वाइज हैं, अगर इनको कंप्लीट पढ़ लेते हो आप तो आपका आगे के लिए भी ठीक रहेगा, ना केवल आईटीआई परीक्षा, आगे के लिए भी। और इसके साथ इसमें एमसीक्यूज भी हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, और इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप जितनी बार चाहो एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि 2-4 बार आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, 6 बार दे सकते हैं, बहुत जगहों पर आपको बाउंडेशन देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और वैलिडिटी भी आपको कोर्सेज पर वहाँ पर दिखाएगा डिटेल में कि कितनी वीडियोज हैं, वहाँ पर ऑप्शन होता है आप देख सकते हैं, कंटेंट का ऑप्शन होता है, कंटेंट उस पर क्लिक करेंगे तो कितनी वीडियोज हैं, कितने टेस्ट हैं, कितनी वैलिडिटी है, सारे डिटेल मिलता है, ठीक है। और यही सही समय भी है, सही समय इसलिए अप्रैल में बोल रहा हूँ, मई जून जुलाई ये 3 महीना एग्जैक्ट बचा हुआ है, और अच्छी तैयारी के लिए और आराम से पढ़ने के लिए कहा जाए तो 3 महीने तो चाहिए, ठीक है। हालांकि जल्दीबाजी में तो चाहे कोई तो महीने भर में 45 दिन में भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर रिलैक्स मोड में पढ़ सकते हैं हम तो जल्दीबाजी क्यों करें। तो आज ही सही समय है, अगर आप सच में इलेक्ट्रिशियन और फिटर के स्टूडेंट हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग थियोरी की क्लासेज जरूर ज्वाइन कर लीजिए और बुक जरूर परचेज कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप जो है आगे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। और आईटीआई के बाद भी तो आपको कुछ करना होगा, सिर्फ आईटीआई सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, आगे भी जब आप जाओगे तो बेसिक, अगर आप क्लासरूम की तरह अगर आप क्लासेज मिस कर दिए हैं, रेगुलर आईटीआई नहीं जा पाए हैं, कोरोना आया और बहुत सी वजहें रही हैं, बीच बीच में बंद रही आईटीआई, बहुत सी वजह थी, तो ऐसे में ये होता है कि अगर आप मोबाइल पर सारा एक तरफ से चैप्टर वाइज पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो थ्योरी की क्लासेज हो तो कम्प्लीट ही हो गई ना। तो मोस्टली थ्योरी ही आपको हमेशा काम आता है, वो गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन एग्जाम हो या अभी प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जाते हो, नॉलेज टेस्ट तो आपके थियोरेटिकल पोर्शन से ही पूछे जाते हैं, बाकी प्रैक्टिकल तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, हर कंपनी का जॉब अलग अलग होता है, ठीक है। तो जहाँ का जैसा जॉब होता है वहाँ पर आपको हफ्ते 10 दिन ट्रेनिंग दी जाती है और आप वहाँ का काम करने लगते हो। फिलहाल ये तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो गए, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, दो मेन अपडेट थी, एक तो कि भाई परीक्षाएं जो हो रही है ये 25 से अप्रैल वाली, तो इनका जो पैटर्न है पहले की तरह ही रहने वाला है, जैसे क्योंकि ये छूटी हुई परीक्षाएं हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसे आप पहले पढ़ रहे होंगे मुझे उम्मीद है, बीच में आपने ब्रेक ले लिया होगा कि मेरी परीक्षा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो ऐसे में अब आप अपना ब्रेक जो है उसको हटाइए और स्पीड के हिसाब से पढ़िए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी जो भी आपके आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मोटिवेट कीजिए, ग्लोबल आईटीआई से जुड़े, इससे बेनिफिट जरूर होगा, हम लोग समय समय पर बेहतर गाइडलाइंस और क्लासेज आपको देते रहते हैं जो आपको हमेशा हेल्पफुल रहती है। थैंक यू।